दिसंबर 2013 दिन शुक्रवार दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। तब राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राजनाथ सिंह कैमरे के सामने आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। तब राजनाथ सिंह ने कहा था कि पूरे देश की जनता की भावना को देखते हुए पार्टी ने यह फैसला लिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तक लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के पीएम इन वोटिंग थे, लेकिन बाजी नरेंद्र मोदी ने मार ली। मोदी की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार और हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, जैसे नारे गूंजने लगे। जनता लोकसभा चुनाव होते हुए बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की। यह पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी ने बहुमत हासिल किया था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 5 साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार 2014 जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाएगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के लिए 2014 से भी बड़ी जीत लेकर आए। 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार को जब देश की सत्ता पर काबिज हुए 8 साल हो गए, तो इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया। भारत की जीडीपी लगभग दुगनी हो गई, आम आदमी की कमाई भी लगभग दुगनी हो गई, महंगाई भी बढ़ी और वो बेतहाशा बढ़ी, बेरोजगारी की तो बात ही मत करिए। तो मोदी सरकार की इन 8 साल में कितने अच्छे दिन आए हैं, कितने बुरे दिन, हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 तक भारत की जीडीपी $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए कि टारगेट तय समय पर पूरा होना मुश्किल बताया जा रहा है। मोदी सरकार में आम आदमी की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ। मोदी सरकार से पहले आम आदमी की सालाना आय 80,000 रुपए से भी कम थी, अब वो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है। ये बात अलग है कि भारत में अब भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं। मोदी सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार 2.5 गुना तक बढ़ा। कारोबार करने और अपनी मुद्रा को मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार जरूरी होता है। अभी देश में 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। हालांकि बीते कुछ हफ्तों से इसमें लगातार गिरावट भी आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया का नारा लेकर आए थे। इसका मकसद था कि दुनिया में भारत की बनी चीजों को भेजना। हालांकि भारत अब भी एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता है। बीते 8 साल में एक्सपोर्ट में 10 लाख करोड़ रुपए भी नहीं बढ़े और 2021 और 22 में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान एक्सपोर्ट कर लिया, जबकि 2014 में 19.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था। अब आप देखिए कि इजाफा कितना ज्यादा हुआ। वहीं मोदी सरकार में विदेशी कर्जा भी बढ़ा है। हर साल औसतन $25 अरब का विदेशी कर्ज भारत पर बढ़ा। मोदी सरकार से पहले देश पर करीब $409 अरब का विदेशी कर्ज था, जो अब बढ़कर 1.5 गुना यानी करीब $615 अरब पहुंच गया है। अभी भी आकर अगर आपको गुमान है कि बीजेपी अच्छी सरकार है तो गुमान करते रहिए। अब आ जाइए नौकरियों का क्या हुआ। रोज आए दिन सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हो हल्ला मचा होता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, पकौड़े बेचे तो तेल भी कहां से लाए क्योंकि तेल भी महंगा हो गया है। चाहे कोई भी सरकार हो, नौकरियों को लेकर सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता। मोदी सरकार में बेरोजगारी दर जमकर बढ़ी। बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक अभी देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, यानी 3% ऑलरेडी देखिए डिक्रीज हो गया। CMEI की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। यहां तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर 6.1% है। ये आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो इस समय बढ़कर 8.7% हो गई है। यानी 60 लाख नौकरियां अभी भी देश में हैं और उसके बाद भी वैकेंसीज नहीं निकाले जा रहे हैं। वैकेंसीज निकाले जाते हैं तो वो फुलफिल नहीं होते हैं।
उसके बाद बच्चों को धरना प्रदर्शन, कोर्ट में जाकर सालों साल भर्तियां अटकी रहती हैं, और उसके बाद भी गुमान किया जाता है कि हमने तो सबको नौकरी दे दी, सबके इनकम बढ़ गई। चलिए अब आ जाइए शिक्षा पर। बड़ा बवाल मचा हुआ है कि दिल्ली के स्कूल की इतनी तारीफ होती है और प्रदेशों के स्कूल की तारीफ क्यों नहीं होती है। शिक्षा पर मोदी सरकार ने क्या किया वो भी जान लीजिए। किसी भी देश के विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत जरूरी है। मोदी सरकार में शिक्षा का बजट तो बढ़ा लेकिन ज्यादा नहीं। 8 साल में शिक्षा पर खर्च 20,000 करोड़ रुपए ही बढ़ा। इतना ही नहीं, देश में 9,000 स्कूल भी कम हो गए। मोदी सरकार के आने से पहले देश में 15.18 लाख स्कूल थे जो अब घटकर 15.9 लाख हो गए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक देश में अभी भी करीब 30% महिलाएं और 15% पुरुष अनपढ़ हैं। 10 में से 6 लड़कियां 10वीं से ज्यादा नहीं पढ़ पा रही हैं। वहीं 10 में से 5 पुरुष ऐसे हैं जो 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं। स्कूली शिक्षा में भारत भले ही अब भी कमजोर है लेकिन मोदी सरकार में मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीट दोनों की ही संख्या बढ़ी है। अभी देश में 596 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 88,000 से ज्यादा MBBS की सीटें हैं, और उसके बाद भी रीट के लिए देखिए बवाला मचता रहा है। उसके बाद भी बच्चे रीट के एग्जाम के लिए कितने हो हल्ला मचाए और अब जाके सरकार ने इस पर फैसला दिया है। लेकिन उसके बाद भी अगर मोदी सरकार अच्छी है तो ताली थाली बजाते रहिए। अब आ जाइए स्वास्थ्य का भी। कोरोना के टाइम में स्वास्थ्य की क्या कंडीशन थी हमने देखा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंगा किनारे किस प्रकार लाशें बिखरी हुई ये भी हमने देखा। कोरोना ने बता दिया था कि किसी देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। मोदी सरकार में स्वास्थ्य बजट में 130% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। इस साल स्वास्थ्य के लिए सरकार ने 86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा। सिर्फ बजट ही रखा, कितना इस्तेमाल हुआ वो कभी नहीं बताते। मोदी सरकार में डॉक्टर्स की संख्या में 4 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि नवंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार देश में 13.1 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं। एलोपैथिक का मतलब MBBS डॉक्टर्स है। इनके अलावा 5.65 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं और इस हिसाब से हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। होम्योपैथिक की जिक्र ही नहीं है क्योंकि आज तक क्योंकि 3-4 साल में वैकेंसी ही नहीं निकाली है, तो इसलिए जिक्र ही हटा दिया। अब आ जाइए खेती किसानी का क्या हुआ, क्योंकि किसानों ने 1 साल धरना प्रदर्शन दिया, खुद सर झुका के नरेंद्र मोदी को वो फैसला वापस लेना पड़ा। मोदी सरकार में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। ये आंदोलन 1 साल से ज्यादा चला। किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया था। किसानों का MSP को लेकर भी विरोध था। आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार में प्रति क्विंटल गेहूं पर 665 रुपए और चावल पर 630 रुपए MSP बढ़ी है। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की कमाई दुगनी करने का वादा किया था। अभी 2022 के आंकड़े नहीं आए लेकिन बजट सत्र में लोकसभा में एग्रीकल्चर पर बनी संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2018 से लेकर 2019 में किसानों की हर महीने की कमाई 10,248 रुपए है। हर महीने की कमाई 10,000 से ऊपर यानी है, जबकि इससे पहले किसानों की कमाई और खर्च पर 2012 से लेकर 2013 में सर्वे हुआ था और उस सर्वे में सामने आया था कि किसानों की महीने भर की कमाई 6,426 रुपए है। लेकिन उसके बाद भी किसान छाती क्यों पीटते हैं अगर 6,000 से लेकर 10 यानी 4,000 का फासला डिफरेंस आया है। तो अब आ जाइए महंगाई। सिलेंडर महंगा, तेल महंगा, दूध महंगा, सब महंगा। लेकिन उसके बाद भी जो BJP छाती पीटती थी, सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरती थी, वो महंगाई के लिए कुछ भी नहीं बोलती है। क्यों? क्योंकि बहुत हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, 2014 के लोकसभा चुनाव में BJP का ये नारा था लेकिन मोदी सरकार में महंगाई बेतहाशा बनी। महंगाई दर मई 2014 के बाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तो आग सी लग गई। 8 साल में पेट्रोल की कीमत 30 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ी। पेट्रोल डीजल के अलावा गैस सिलेंडर की कीमत भी तेजी से बढ़ी। मोदी सरकार से पहले सब्सिडी वाला सिलेंडर 414 रुपए में मिलता था, अब सिलेंडर पर नाम मात्र की सब्सिडी मिलती है। और करंट के स्टेटस में मैं बता दूं, आज ही मैंने अपना गैस सिलेंडर लिया है, 1014.5 पैसे मुझे चुकाने पड़े।
कहां 414, कहां 1000, इतना अंतर आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी लोग खुश हैं क्योंकि दिवाली और होली में एक एक गैस सिलेंडर सरकार मुफ्त में दे रही है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि साल भर सरकार उन्हें मुफ्त में ही बैठ के खिलाने वाली है। अभी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 8 साल में 1 किलो आटे की कीमत 48%, 1 किलो चावल की कीमत 31%, 1 लीटर दूध की कीमत 40% और 1 किलो नमक की कीमत 35% तक बढ़ गई है। इसीलिए शायद आप नमक खाते हैं, इसीलिए बीजेपी को हर वक्त जिताते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखने की, लेकिन उसी पटरी को वो प्राइवेट करते जा रहे हैं, तो पटरी पर अर्थव्यवस्था आखिर कैसे लेकर आएंगे? पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ गई है। ये अपने आप को होता है कि जब आप कोई गलत काम कर ले तो अपने आप को सांत्वना देने की भैया महामारी थी, रूस यूक्रेन के युद्ध चल रहा था, सारे देशों में मंदी थी, तो आखिर भारत कैसे पीछे छूट जाता। भारत ही नहीं, दुनिया भर में महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसा हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स को दिखाना पड़ता है। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सब चुनौतियों से पार पाना है और ये भी देखना है कि 2024 में आप कौन सा नारा लेकर आते हैं, अच्छे दिन या बुरे दिन, ये आपको डिसाइड करना है। रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिए और अगर इस रिपोर्ट में कुछ छूट गया हो जो आपको मालूम है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को शेयर करते जाइए। धन्यवाद।